नमस्कार, स्वागत है सिमडेगा समाचार के YouTube चैनल में। चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं और पाएं सिमडेगा जिले के सभी प्रखंडों से छोटी बड़ी तमाम खबर एक साथ। तो चलिए दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबर एक साथ हमारे चैनल में शुरू करते हैं। ठेठे टांगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आसनबेड़ा खमनटोली गांव की 24 वर्षीय संगीता मिंज नामक युवती प्रेम प्रसंग में आकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तब परिवार वालों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा में भर्ती कराया है, जहां उसकी उपचार चल रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि संगीता घर में अकेली थी और परिवार वाले जंगल गए थे। इसी बीच प्रेमी के साथ किसी प्रकार का विवाद हुआ और गुस्से में आकर कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। सिमडेगा डेली मार्केट के पास पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिसका पोस्टमार्टम करवाते हुए सदर अस्पताल सिमडेगा के मोर्चरी में रखा गया है। इधर शाम को सिमडेगा समाचार में चलाए गए खबर के बाद इसके परिजनों तक खबर पहुंची और उसकी पता चला। यह व्यक्ति बोलबा के तलमंगा निवासी गजेंद्र सिंह उर्फ बिरसा सिंह है, जो छत्तीसगढ़ गया था और लौटने क्रम में सिमडेगा में सोया हुआ था। इसी क्रम में आकस्मिक निधन हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं, वैसे जगहों को विकास तीर्थ के रूप में देख रही है और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री बिमला प्रधान एकलव्य मॉडल विद्यालय गर्जा पहुंचकर महिलाओं के साथ संवाद किया। वहां पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, जहां पर आदिवासियों के बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। यहां पर सिर्फ आदिवासियों के बच्चों का नामांकन होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त होंगे, इसलिए आप सभी इस पर नामांकन जरूर कराएं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सिमडेगा सिविल सर्जन कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिविल सर्जन, यक्ष्मा पदाधिकारी के मौजूदगी में कुल 16 मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर नवल कुमार ने लोगों से अपील की, इसमें जन भागीदारी है, ऐसे में आप भी टीबी मरीज को गोद लेकर 6 महीना तक का राशन उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए आप विभाग की ओर से आभार के व्यक्त करेंगे। सिमडेगा के बानो उकोली बेड़ाटोली गांव में सौतेले बेटे ने अपनी ही माँ को लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इधर मामले की जानकारी पुलिस को हुई, जिसके बाद शव को अपने कब्जे में लिया और सदर अस्पताल सिमडेगा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर सदर अस्पताल सिमडेगा में शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दी गई। कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत साहपुर गुंडारी टोली गांव निवासी परवीन कुल्लू नामक युवक छत से गिरने से हालत गंभीर हुई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के क्रम में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि कृष्णा सिंह नामक व्यक्ति के घर पर छत में काम हो रहा था, जिस पर वो चढ़कर काम कर रहा था। इसी दौरान चक्कर आने से वो गिरा और बेहोश हो गया। कोलेबिरा लाया गया और कोलेबिरा से बेहतर इलाज के लिए सिमडेगा भेजा गया। इधर सदर अस्पताल सिमडेगा में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिमडेगा सदर थाना में नवपदस्थापित थाना प्रभारी जय गोविंद गुप्ता के द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। शांति समिति की बैठक में उन्होंने अपना परिचय दिया, जिसके बाद कहा, शहर में अमन चैन और सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र में सभी प्रकार के विधि व्यवस्था को लेकर आप सभी का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था, अवैध शराब आदि चीज़ों को लेकर सिमडेगा पुलिस पहले से अलर्ट है और आगे भी सजग रूप से काम करेगी। केरसई के कोनोस्केली गांव में गोंडवाना समुदाय द्वारा आयोजित समर कैंप में हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कुनबेगी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों को हॉकी के गुर बताए और कहा, इस क्षेत्र में हॉकी नस नस में बसता है, ऐसे में आप सभी हॉकी को अपना श्रेय मानकर खेलेंगे तो आने वाले दिनों में आप इंटरनेशनल प्लेयर का सफर तय कर सकेंगे, इसलिए अभी से ही प्रयास शुरू कर दें। कैरबेड़ा के पास मोटरसाइकिल दुर्घटना में 40 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया। बताया गया कि दुष्यंत नामक व्यक्ति सिमडेगा आया था और वह लौट रहा था, इसी क्रम में ट्रैक्टर से बचने के क्रम में नियंत्रण खोकर गिर पड़ा और माथे में चोट लगी। इधर सदर अस्पताल सिमडेगा में दुष्यंत की इलाज की गई, जिसके बाद अभी खतरे से वह बाहर है। सिमडेगा की पूर्व विधायक बिमला प्रधान विकास तीर्थ योजना के तहत सिमडेगा के बीरू पावर ग्रिड पहुंची, जहां पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा
केंद्र में बैठी मोदी सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसमें अनेक विकास कार्य सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ किया है। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा एक दिवसीय खुटीटोली चर्च में आयोजित वार्षिक मध्य डायोसिस युवा सम्मेलन में भाग लिए। इस दौरान उन्होंने वहां पर पहुंचते हुए कहा कि युवा समाज की रीढ़ हैं और युवा समाज में एक नई सोच नई बदलाव ला सकते हैं, इसीलिए आप सभी युवा आगे बढ़कर समाज का हित के लिए कार्य करें ताकि आने वाले दिनों में आप समाज के लिए कुछ नया कर सकेंगे। बोलबा में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कुल 19 युवक युवतियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए भेजा गया। इस मौके पर अंचलाधिकारी बलिराम महतो उपस्थित रहे, जहां पर सभी लोगों को उन्होंने शुभकामना देते हुए बेहतर नई चीजें सीखकर आने की शुभकामनाएं दी। ठेटांगर प्रखंड कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेन की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना एवं कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर प्रखंड प्रमुख, BDO, CEO एवं जीप सदस्य उपस्थित रहे। इसी के साथ धन्यवाद।